नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पाटीदार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे और आप मेरे द्वारा बताए गए चैनल के द्वारा आप सभी कुछ न कुछ नया सीखते होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ हो जाए नया, यानी कि आज भी मैं आपको कुछ नया बिजनेस बताने वाला हूँ जो आप कम पूंजी में बढ़िया तरीके से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचे, और लाइक करना न भूले, दोस्तों को बेरोजगारों को शेयर करना न भूले दोस्तों, क्योंकि बिजनेस बताओ चैनल आपको रखता है हमेशा बिजनेस में आगे और बताता है सबसे पहले नए बिजनेस के बारे में, वो भी कम पूंजी में घर बैठे आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा संकल्प है मैं भारत के कोने कोने में बेरोजगारी मिटाकर देश में रोजगार की अलख को जगा कर रहूँगा। ये मेरा संकल्प है, हर हाथ में रोजगार दिला कर रहूँगा। दोस्तों, आप अगर कम पूंजी में कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, बहुत दिन से परेशान हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करें, तो दोस्तों आप सही वीडियो देख रहे हैं, सही चैनल पर आए हैं। और साथ ही साथ आपको हमेशा सभी वीडियो एक से बढ़कर एक कम पूंजी में सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से सब कुछ समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और कैसा मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी नौकरी से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी छोड़कर आप अगर ये काम करते हैं तो भी फ़ायदे में है, सिर्फ एक बार आपको शर्म छोड़ना पड़ेगी और दिल से मेहनत करना पड़ेगी, साथ ही साथ लगन के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है, एक चीज़ पर फोकस करना है और हमेशा एक स्टेप उठाकर धीरे धीरे आपको आगे की ओर बढ़ना है। कैसे बढ़ना है ये भी मैं बताता हूँ, और हर वीडियो में आपको ये पता है कि मैं जो भी बताता हूँ उसका लिंक इंडिया मार्ट का हो चाहे कोई सा भी हो, आपको कहाँ से माल खरीदना है, मोबाइल नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह हमेशा डाल देता हूँ। अगर नहीं डाला हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हो, आपको स्पेशल बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाएगा। पहली बात, यहाँ पर आपको मैं अभी मोटरसाइकिल से घूमकर अपने घर से अपने आसपास के गाँव में जाकर डेली 40-50 किलोमीटर घूमकर 8-10 घंटे काम करके आप हफ्ते में 5 दिन काम करके कैसे बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हो। अगर आप बिजनेस नहीं कहते हो, क्योंकि बिजनेस बड़े लोगों की बात है, बिजनेस मतलब लाखों करोड़ों रुपये चाहिए, हम कहते हैं छोटा काम धंधा करो भाई, छोटा काम धंधा। बिजनेस बताओ चैनल आपको बिजनेस बताता है कम पूंजी वाले, यानी काम धंधा आप कैसे करें, व्यापार कैसे करें, इसके बारे में बताता है कि आप मोटरसाइकिल से घूमकर किस प्रकार से काम धंधा कर सकते हो, वो भी कम पूंजी में। तो दोस्तों, यहाँ पर बस एक बात ये है कि आपको पास बाइक मोटरसाइकिल होना ज़रूरी है, और आपको 8-10 घंटे अगर शुरू में मेहनत करना पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में 5-6 घंटे से ज़्यादा काम का नहीं है, ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। यानी कि बिजनेस बताओ चैनल आपको हमेशा बिजनेस के बारे में सिखाता है कि आप किस प्रकार से अच्छा काम करके अच्छी पूंजी कमा सकते हो। तो दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पर। आज का बिजनेस भी बहुत ही सरल है, आपको सरल भाषा में पूरा समझाऊंगा, सिर्फ एक निवेदन है, अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पूरा देखें, अगर बिजनेस सीखना है या बिजनेस करना है तो पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं। दोस्तों शुरू करते हैं, बताता हूं आपको आज का बिजनेस। देखिए दोस्तों, आज का बिजनेस बहुत ही आसान है, बताता हूं बिजनेस का नाम, आपने सुना होगा पोंगा पिंगर, यानी कि फ्रायम्स बिजनेस। आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं पोंगा पिंगर, हमारे इधर फ्रायम्स कहते हैं इंग्लिश में, मध्य प्रदेश में बात करता हूँ जैसे आपको पता है। तो दोस्तों, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज का बिजनेस है पोंगा पिंगर फ्रायम्स बिजनेस। दोस्तों आपको क्या करना है, बड़े मार्केट में जाना है, जो थोक मंडी हो या थोक बड़ा व्यापारी हो, वहाँ जाकर आपको ये कहना कि मुझे फ्रायम्स चाहिए। आपको बता दूं, 10 किलो का कट्टा आता है इसका, कितने का, 10 किलो का कट्टा, 10 किलो का पे या 25 किलो का पे, आपको सिर्फ 10 किलो का कट्टा खरीद कर लाना है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मात्र 600 रुपये लगाकर आप कौन सा बिजनेस करें, तो यहाँ पर 600 रुपये लगाकर आप प्राइम का बिजनेस कर सकते हो। कैसे, आइए शुरू करते हैं पूरा वीडियो सही तरीके से। दोस्तों आपको मंडी उस बड़े व्यापारी से लाना है थोक में पिंगर 10 किलो का, पहली बार पैक वजन करके पिंगर, ठीक है। प्राइम्स जो आप जानते होंगे उंगली के जैसे आता है, येलो कलर का, कलर बहुत सारे आते हैं, उसे तेल में निकाले जाता है,
तो घर पर लाएंगे, आपके पास बड़ा एक होना चाहिए कढ़ाई, आपके घर में ऑलरेडी कढ़ाई होगा, नहीं हो तो आप मांग कर जुगाड़ लगा सकते हो। और आपको शुरुआत में चाहिए थोड़ा तेल, यानी कम से कम 2-3 लीटर तेल, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए, जब आप देखिए 60 रुपये किलो का पिंगर आप ले आए, आपको 1 किलो पिंगर में कम से कम 200 नग आते हैं, ठीक है, 200 नग पिंगर आते हैं। आपको कढ़ाई में गरम तेल करना है चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर, अब आपको अच्छा गरम तेल कर लेना है। उसके बाद आपको वो पिंगर तेल में डालना है, 200 नग बन जाते ना तो मार्केट में 1 रुपये का एक पिंगर बिकता है, ठीक है। आपको 5 रुपये की पैकिंग करना है, छोटी पॉलीथीन आएगी जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, इस पॉलीथीन में 5 पिंगर डालना है। ऐसे ही 20 की लड़ी बनाना है, 20 की लड़ी बनाकर आपको क्या, 20 की लड़ी बनाना है, उस 20 लड़ी में एक पैकेट में 5 पिंगर डालेंगे, 20 की लड़ी में आप 5 के हिसाब से 100 पिंगर आपके हो गए, यानी कि आप 1 किलो में 40 पैकेट बनाएंगे, 5-5 रुपये के 40 पैकेट, और लड़ी 20 की बनाएंगे, ठीक है। अब आपको सभी पिंगर तल कर पैकिंग करना है, गिन गिन कर पिंगर डालना है। अब लड़ी बना लो 20 पैकेट की, उस लड़ी ऐसे सभी पिंगर की लड़ी बनाना है, आपके 10 किलो 2000 पिंगर आएंगे, आपकी 20 लड़ी बन जाएगी, ठीक है। आपकी कितनी लड़ी बन जाएगी, 2000 पिंगर में 10 किलो पोंगा पिंगर में 20 लड़ी कितने की हो जाती है, 2000 की। अब सुनिए बात, 600 रुपये का आपका पिंगर, आपका मैं मान लेता हूँ कम से कम 2 लीटर तेल, 2 लीटर तेल से ज़्यादा नहीं चलेगा, कितना का हो गया, कम से कम यह हो गए 200 और 600 800 रुपये, 200 का तेल, 600 का पिंगर 800, 100 रुपये का आपका गैस 900, ठीक है, 100 रुपये का गैस 900, और 50 रुपये पैकिंग वगैरह एक्स्ट्रा 950 रुपये बस, ठीक है। 950 में आपने 2000 के पिंगर रेडी कर लिए। अब जब आप लड़ी जाओगे लेके, जो 20 की लड़ी बनाई, आपको दुकानदार के पास जाना है अपने आसपास के गाँव में, एक दिन में 5-6 घंटे काम करना है, कम से कम 30-40 दुकानों पर जाना है, जब जाके 15 दुकानदार आपसे माल लेंगे, ठीक। अगर एक लड़ी भी आप दुकानदार को देते हैं तो आपको क्या करना है, वो लड़ी कितने में देना है, आपका एक लड़ी जो 20 पिंगर की है, यानी कि 10 किलो माल 900 में 950 में तैयार हो रहा है, तो उस हिसाब से 1 किलो माल आपका कितने में तैयार हो जाएगा, मात्र 1 किलो माल जो है आपका कम से कम 40 रुपये में तैयार हो जाएगा, ठीक है, मेरे गणित के हिसाब से। आप जोड़ झपाड़ कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आप 40 रुपये में तैयार हुआ, आपको वो पिंगर कितने में तैयार हो गया, 40 रुपये में तैयार हो गया, ठीक है। 20 की लड़ी या 1 किलो पिंगर 80 रुपये में तैयार हो गया, ऐसा समझा देता हूँ, 1 किलो पिंगर 80 रुपये में तैयार हो जाएगा। अब उस पिंगर को ले जाकर दुकानदार को दो लड़िया 20-20 की, 40 की लड़ी, एक 20 की लड़ी, दूसरी 20 की लड़ी, ठीक है, तो एक लड़ी आपको देना है 50 रुपये में, उसको देना है 40 की तैयार हुई देना है 80 रुपये में, आप 40 की तैयार हुई 80 रुपये में देना है, 20 रुपये वो लड़ी पे कमाएगा, एक लड़ी पर एक पैकेट पर 1 रुपया, आपको सीधा 40 रुपये प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, कितना 40 रुपया। अगर कम में देते हो तो 70 से कम में मत देना, ध्यान नोट कर लेना, लेकिन अगर मान लेता हूँ 70 में भी आपने दी तो एक लड़ी पे सीधा 30 रुपये का। अगर आप 10 किलो पिंगर लाए और उसमें आप अगर 20 लड़ी तैयार करते हो तो 30 × 20 600 रुपये आप कमाओगे, सिर्फ 10 किलो पिंगर पर 600 रुपये, सोचिए ना आप। मोटरसाइकिल पे बड़ा लोहे का बॉक्स बनवाना है, बड़ा थोड़ा, और फिर आइड साइड उसको जो बरसा दी जाती है तिरपाल उससे बना के ढक लेना है, उसमें सभी लड़ियाँ डाल लेना है, अच्छा मोटरसाइकिल पर बांध लेना है रस्सियों से उसे, और फिर गाड़ी पे ले जाना है। वजन बहुत कम आता है, पिंगर का वजन कितना आता है मुझे आप बताओ, 10 किलो तेल में निकालोगे तब भी कहीं ज़्यादा थोड़ी वजन बढ़ेगा, 10 किलो ही रहेगा, 11 किलो हो जाएगा, और वो लोहे का बॉक्स का वजन 10-12 किलो, आपकी गाड़ी पर आप बैठोगे तो 25 किलो से ज़्यादा वजन नहीं है उसमें, आप बहुत हल्के में चलोगे, वजन ही कम है। आपको गांव-गांव जाना है और पिंगर देके आना है, 40 रुपये का माल एक लड़ी जो 20 की तैयार हुई 80 रुपये में आप दे सकते हो, 70 रुपये में दे सकते हो, सामने वाला भी 30-40 कमाएगा, आप भी 30-40 कमाओ, 10 किलो पे 600 रुपये कमा लिए, 600 का माल लाए थे 600 कमा लिए, बताओ आप नहीं कर सकते हो क्या, साइड में दिखा रहा हूँ, ऐसे काम करना है, ऐसे कढ़ाई लेना है, ऐसे चूल्हा लगाना है, तलना है, पैकिंग करना है, ऐसे रोल पिंगर कहते हैं या पिंगर कहते हैं, ठीक है। अब हो गया आपका पिंगर रेडी, आपको बस जाना है माल बेचना है। इस प्रकार से आप एक दिन में, मैं कहता हूँ कि
20 किलो पिंगर आसानी से बेच सकते हो, 30 किलो पिंगर बेच सकते हो, आपके ग्राहक बन जाएंगे, आपको फोन लगाएंगे भाई पिंगर देने आ जा। आप जब थोक में उठाओगे ना और कम रेट में आएगा ये पिंगर, जो मैंने 60 बताया ना 50 रुपये किलो में भी मिल जाएगा आपको, 40 रुपये किलो में भी मिलता है। अगर ज़्यादा ख़रीदना है, अगर आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंदौर के नंबर दे दिए थोक वाले के, जो 35-40 रुपये किलो का पिंगर बेचता है। अगर दिल्ली के आसपास रहते हो तो दिल्ली के खारी बावली मार्केट में चले जाना, 35 रुपये किलो का माल बिकता है, 35 रुपये किलो का, वही 35 रुपये किलो का माल आपको डबल मिलेगा वहाँ पर। 35 रुपये किलो का माल हो गया और एक किलो पे जोड़ो ना 35 रुपये किलो का, और 35 रुपये एक्स्ट्रा तेल वगैरह ये वो सब 70 रुपये, वही आपको एक किलो पे 200 फ्राई मिलते हैं, तो आप 70 रुपये आपका खर्चा हो गया। सामने वाले को आप 70 का माल दो लड़ियाँ 20-20 की 140 में दोगे, 70 रुपये का फ़ायदा। दिन भर में आप अगर 10 किलो फ्राइम निकाल कर बेच लेते हो तो भी आसानी से 700-800 कमा लोगे, 20-30 किलो बेचोगे तो 2000 रुपये रोज़ के कमा सकते हो। ये ऐसा बिजनेस है ना, हल्का बिजनेस है, बहुत हल्के में काम होता है। तेल में डाला, यूँ चुटकी में निकल गया, फटाक से बेचा है और रेडी, और उसी दुकानदार को 7-8 दिन में पहुँच गया, फिर बेचा है, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे करके बेचते जाओ, 2000 रुपये रोज़ के कमाओगे कम से कम। लोग कमा रहे तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने देखा है लोगों को मोटरसाइकिल में बड़े बड़े बॉक्स में ऐसे लड़िया बनाकर ले जाते हो और घर पर बनाते हो, और एक से मेरी बात हुई कि भाई मैं ऐसे काम करता हूँ, तभी मुझे आइडिया आया। वो मारुति वैन से बेचता है, मारुति वैन में घर से माल रेडी करता है, पिंगर भरता है और गाँव जाके किराना वालों को देता है। याद ध्यान देना, ये चीज़ सिर्फ किराना पे बेचना है, थोक में रिटेल नहीं करना है कि 5 रुपये का कोई लेने आया उठा के दे दिया, नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं, समझाएं मुझे कि आपको क्या समझ में नहीं, कमेंट करके पूछें क्या आपको पूछना है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो भी और एक से बढ़कर एक आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल बिजनेस बताओ में। तो दोस्तों बिजनेस बताओ चैनल रखता है आपको हमेशा अपडेट, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन दिल से शेयर कर देना ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, हर बेरोजगार आदमी को, हर रिश्तेदार को, हर उस व्यक्ति को जो परेशान हो गया नौकरी करके, जो तंग आ गया अब नौकरी करके, जिसके पास पैसे की कमी है, जो तकलीफ में है, उसे शेयर कर दो आप। बस आप मुझे सपोर्ट कर दोगे और आप उस व्यक्ति को सपोर्ट कर दोगे, वो दिल से दुआ देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।